अच्छा वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुन्नां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दः प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं शाम सदाशिवाय नमो नमः। आप सभी को आचार्य पूरन तिवारी का नमस्कार। आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं लाल और शिव शक्ति मंदिर से भगवान शिव के इस सौभाग्य देने वाले स्वरूप का। कई बार हमारे बीच में प्रश्न आता है कि भगवान शिव को हल्दी चढ़ती है या नहीं चढ़ती। हम भगवान शिव के जिस स्वरूप का पूजन करते हैं वह शाम्ब सदाशिव है। वह शिव और अम्ब दोनों स्वयं साथ में हैं, इसलिए भगवान शिव के शाम्ब सदाशिव स्वरूप में जब वह माँ अम्बा के साथ विराजमान हैं तब वह हल्दी से सुशोभित हो जाते हैं। तब वह उन पे हल्दी चढ़ाने वाले को सौभाग्य देने वाले हो जाते हैं। ग्रंथों ने भगवान शिव से जो लोग आरोग्यता चाहते हैं, जिनको अनेक प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो, उनको उपाय बताते हुए ग्रंथकारों ने लिखा कि भगवान शिव को दूर्वा, जिसे मॉरिशस में हम सैंधव के नाम से जानते हैं, और कच्ची हल्दी को मिश्रित करके उबाल देने के बाद और फिर उसके बाद उसे छान के ठंडा कर लेने के पश्चात भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करने से आशुतोष महादेव शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो महादेव शिव को प्रसन्न करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, भगवान हमारे जीवन में सौभाग्यता आए, हमारे जीवन में हम सौभाग्यशाली बने, क्योंकि हरिद्रा अर्पण करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में तो ये भी कहा जाता है कि जिस सब्जी में हल्दी न हो उसके सेवन का भी दोष है। तो हल्दी आरोग्यता देने वाली है, हल्दी सौभाग्य देने वाली है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व हम हल्दी एवं कुमकुम का टीका अर्पण कर भगवान शिव का पूजन करते हैं। उसी क्रम में महाशिवरात्रि से पूर्व आज गुरुवार का दिन और आज से ठीक एक हफ्ते बाद, एक सप्ताह बाद गुरुवार का ही दिन होगा और हम आज शुक्रवार का दिन है। आज आने वाले गुरुवार को हम भगवान शिव की महाशिवरात्रि मनाएंगे। महाशिवरात्रि को ऋषियों ने, मुनियों ने, ग्रंथकारों ने अनेक रूपों से कहा है कि इस दिन भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप प्रकट हुआ। कई ग्रंथकार इसे भगवान शिव के विवाह का उत्सव मानते हैं और महाकाल जो कि उज्जैन में स्थित है वहाँ भगवान शिव के विवाह उत्सव के स्वरूप में ही 11 दिन पूर्व भगवान का पूजन अर्चन होता है। और उसी क्रम में वहाँ पर भी भगवान शिव का हल्दी से श्रृंगार होता है, भगवान का कुमकुम से श्रृंगार होता है। इसलिए भगवान शिव को हम हल्दी चढ़ती है या नहीं चढ़ती, इस शंका से मुक्त होकर, इस डाउट से मुक्त होकर भगवान शिव को भक्तिपूर्वक हल्दी अर्पण करें तो भगवान शिव न सिर्फ हमारी दरिद्रता का नाश करेंगे, न सिर्फ हमारी गरीबी का नाश करेंगे। क्योंकि जब हम लिंगाष्टक पढ़ते हैं तो उसमें आया अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम, कि जो भी प्रकार की जो दरिद्रताएं हैं,
जो भी गरीबी है उसको निवारण करने वाला यह शिवलिंग है। और भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का आराधन सभी प्रकार से जीवन में उन्नति देने वाला है। आप सभी इस महाशिवरात्रि में, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है, भगवान शिव और नारायण दोनों का पूजन करें और आप देखेंगे कि भगवान शिव की कृपा से आपके खजाने कुबेर की तरह भरे रहेंगे। आपके जीवन में आरोग्यता भगवान शिव की कृपा से रहेगी। महाकाली आप पे प्रसन्न रहेंगी। कोई तंत्र मंत्र रोग दोष आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। बस आवश्यकता है हम भगवान शिव की आराधना भले मन से करें, हम भगवान शिव की आराधना उनकी प्रसन्नता के लिए करें, हम भगवान शिव की आराधना उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए करें। और कृपा प्राप्ति का सहज सा उपाय है कि आप भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण करें, भगवान शिव को शुद्धता से लाया हुआ तीर्थों का जल अर्पण करें, क्योंकि तीर्थों से लाया हुआ जल, हम गंगा तालाब तो जाते हैं, वहाँ हम तीर्थों का जल भी भरते हैं, लेकिन जब आप जल भर लें उसके पश्चात उस जल को, जब तक आपके वह जल आपके हाथ में हो, वह गंगा जल आपके हाथ में जब तक रहे, तब तक भोजन इत्यादि वहाँ पर ग्रहण न करें। उसको गाड़ी में स्थापित करने के बाद, गाड़ी में रखने के बाद ही आप जो है भोजन या जल जो भी ग्रहण करना चाहें वो करें, क्योंकि शुद्धता और जूठा से बचा के हम जिस जल को लाएंगे उसी से भगवान शिव का पूरी शिवरात्रि में चार पहर का अभिषेक होगा, और वह चार पहर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। अगर हमें जीवन में भक्ति चाहिए तो पहले पहर में भगवान शिव की आराधना करें, अर्थ चाहिए तो दूसरे पहर में महाकाल स्वरूप के दर्शन करें, कामना चाहिए, हमारी कामनाएं की पूर्ति चाहिए तो तीसरे पहर में अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव का दर्शन करें, और अगर भगवान शिव से जीवन में आनंद चाहिए तो भगवान के आनंद स्वरूप का दर्शन करें। तो ये चार पहर का पूजन के लिए जो आप जब आप जल भरने जाएं तो भगवान शिव का स्मरण मन में बना रहे, और जब आप जल भरें तो माँ गंगा को अवश्य याद करें। गंगे 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 बोलने मात्र से माँ गंगा की कृपा हम सब पे हो जाती है। तो गंगा जल भरें और गंगा जी को याद करें और भगवान शिव का सुंदर से जलाभिषेक करें। अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं लालोरा शिव शक्ति मंदिर से भगवान शिव के सायंकालीन स्वरूप के। आप सभी को आचार्य पूरन तिवारी का फिर से नमस्कार। शुभ रात्रि। जय श्री राम।